डॉक्टर, ये सारे सबूत झूठे हैं। ये मुझे इस घर से निकालने के लिए और मेरी जायदाद हड़पने के लिए बनाए गए हैं, और ये किसी और ने नहीं बनाए, ये मेरी बीवी गौरी ने बनाए हैं। गर्ग जी, अपना फिंगरप्रिंट दीजिए। क्या हुआ माँ? जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं इसने कुछ हाथ में लगाया तो नहीं। जो लड़का हमारे बेटे का चेहरा चुरा सकता है, उस पर हमें कोई भरोसा नहीं। अब ठीक है, शुरू कीजिए। गौरव जी, फिंगरप्रिंट्स दीजिए अपने। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आपको कल मिल जाएगी जी। बिंदा, तुम इस पर ध्यान रखना, क्या है ना, इसके पास सिर्फ आज की रात है। ये खेल बदलने के लिए जो करेगा आज ही करेगा। एक बार कल रिपोर्ट्स आ जाए बस, इसको इसी के खेल में फंसा कर जेल भिजवाएंगे हम। क्या सोच रही हो गौरी? हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इस कमरे में तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, ये कमरा हमारा है। ये कमरा मेरा है, मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। बड़ा ही नकली प्यार किया ना तुमने घर से। बताओ, तो पहचान ही नहीं पाई कि मैं गर्व हूं क्या उसका बहरूपिया बंटी? मेरे छूने तक से तुम्हें पता नहीं चला ना? बोलो, इतना ही प्यार करती हो घर से? यही है तुम्हारा प्यार? जिस जासूस बिंदा के नजर से ना इस घर का एक आदमी भी बच नहीं सकता। चालू हो जाओ बिंदा। हाय राम, हाय राम, कहाँ कहाँ हमको देखना पड़ता है। दीदी भी ना, लेकिन बिंदा तुम अभी जासूस हो, और जासूस बिंदा का काम होता है लोगों पर नजर रखना, निगरानी करना। तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, ओके? चालू हो जाओ अपने काम। हो गई जासूसी? नहीं हुआ, हम तो चिड़िया देख रहे थे। मैं आपको चिड़ी नजर आता हूँ, मुझे सब पता है आप मेरी जासूसी कर रही थी। देखिए, चिड़िया का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी पे आ गया ना, तुम्हारे पंख तो मैं कुतर दूंगा। नहीं, वो हम जा रहे हैं। बंटी बाबू, बिंदा जासूस ना आपसे डरने वाली नहीं है। अपनी जासूसी के लिए वो फिर से हाजिर होगी, जासूसी पूरी करके रहेगी। हे भोलेनाथ, सारे सबूत कह रहे हैं कि ये हमारे गर्भ जी नहीं, लेकिन हमारा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं।
हमें लगता है ये हमारे गर्व जी ही। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। ये दिया हमारे विश्वास का, हमारा विश्वास मत तोड़िएगा, हमारी मदद कीजिए। ये भगवान के आगे दिए जलाने से कुछ नहीं होगा गौरी। वो आदमी एक नंबर का धोखेबाज है, वो गर्व नहीं है। हमें तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारी गर्जी है या बंटी, हम खुद पता कर लेंगे। गौरी तुम्हें क्या हो गया? घर में सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो गर्व नहीं है, बंटी है। देखो गौरी, ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि हम दुनिया में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो थोड़ा तो भरोसा करो हमारा। क्यों करें हम तुम पर भरोसा? क्यों? हमारी दोस्ती पर हमें तुमसे ज्यादा भरोसा था, और तुम ही लाए थे ना बंटी को यहाँ पर। फिर ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम मानते हैं हम लाए थे, लेकिन मैं इसलिए नहीं लाया था कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। मैं इसलिए लाया था ताकि वो माँ को बचा सके। सब झूठ। मेरा भरोसा करो गौरी, वो बंटी है, ये सब माँ का किया धरा है। ये युग तो चालबाजी में मालकिन से भी 10 गुना आगे निकले। पहले खुद ही बंटी को यहाँ लेकर आया, और अब सारा का सारा इल्जाम मालकिन पे डाल दिया। आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो भी अचानक से? सबको टेंशन दे के फिर कैसे चद्दर तान के बेफिक्री लेके सो रहा है? समझ में नहीं आता। हमें पूरा यकीन है कि ये गर्व नहीं है। रिपोर्ट्स जांचने के लिए गई है, पर इसे कोई चिंता ही नहीं, घोड़े बेच के सो रहा है। क्या पता इसने कोई जुगाड़ कर लिया हो। दीदी, कैसे भी करके इसकी अगली चाल क्या होगी ये हम लोग को जानना होगा। हेलो जी, हम शकुंतला देवी बोल रहे हैं। रिपोर्ट तैयार हो गई? नहीं मैम, अभी तक टेस्टिंग चल रही है। अभी तक चल रही है। अच्छा, एक बात समझिए, ये रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इन रिपोर्ट्स के साथ कोई छेड़खानी ना कर पाए, समझे आप? आप बेफिक्र रहिए मैम, रिपोर्ट्स की जांच हाई सिक्योरिटी में हो रही है। जी। अभी तक जांच चल ही रही है, और इस लड़की को कोई फिक्र नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है दीदी, हो सकता है, हो सकता है कि ये गर्वी हो। और नाम बदलकर हम सबको बेवकूफ बना रहा हो, हाँ? पर गर्व ऐसा क्यों करेगा? ये गर्व नहीं है, ये बंटी है। और जो भी हो, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं
मैम, ये लीजिए फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट। ये पेपर नहीं, हमारे जेल जाने का परमिट है। ये रिपोर्ट खुलेगी तो तुम्हारे जेल जाने का रास्ता भी खुल जाएगा। अब देख कैसे तेरी अकड़ निकलती है। परफेक्शन को सबूत की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई मॉम, आप अपने ही बेटे को कैसे नहीं पहचान पाई? आपने तो मुझे पैदा किया है ना मॉम, फिर भी चीजों के लिए माफ कर दो गर्व, हमें माफ कर दो, हमने जान की गोली नहीं चलाई थी, मेरा बेटा। मॉम इट्स ओके, रिलैक्स। गर्व जी, मर गया वो कर्ज जो तुमसे प्यार करता था। ये जो कर्व है ना, वो तुमसे सिर्फ नफरत करता है, नफरत। कि तुमने उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली गौरी। पता है वो चीज क्या थी? वो था मेरा बच्चा। गर्जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं है, आप जानते हैं ना हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप ऐसे व्यवहार करेंगे तो हमारे क्या होगा, हम मर जाएंगे। गर्जी तो मरो जाकर। तुम मेरे लिए उसी दिन मर गई थी गौरी, जिस दिन मेरे लाख मना करने के बाद भी तुम आग में कूदी थी, जिसकी वजह से हमारा बच्चा। मैं यहाँ सिर्फ एक वजह से आया हूं, मुझे मेरी प्रॉपर्टी और मेरे बिजनेस के पेपर्स वापस चाहिए। मेरे नाम करो सब कुछ, वरना मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ये ससुराल भी हमारा है और आप भी हमारे, दोनों चीजों को हम कभी नहीं छोड़ सकते। आप हमारी बात समझिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस जन्म में तो क्या है, अगले 7 जन्मों तक भी हम एक नहीं होंगे गौरी। हमें कैसे भी करके गर्व जी को समझाना होगा, बच्चा सिर्फ एक हादसे में मरा,
समझाएं उन्हें, वो बात करने को ही राजी नहीं। पता था जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तब आप हमारे पास हमारे कमरे में आएंगे। बात तो सुनिए ना, इस बच्चे के पहले भी तो हमारी जिंदगी में प्यार था ना, हम कितना प्यार करते थे एक दूसरे से। आपको उस प्यार का वास्ता, हमारी बात सुनिए ना गर्व जी। बच्चा सिर्फ आपने नहीं खोया है, हमने भी खोया, वो सिर्फ एक हादसा था। हादसा नहीं था वो, वो हादसा नहीं था गौरी। नहीं तुम अंदर नहीं जाओगी, तुम पेट में बच्चा है तुम्हारे, उसे कुछ हो गया ना गौरी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर मालकिन को कुछ हुआ तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, हमें जाने दीजिए। वो तुम्हारी बेवजह की जिद थी जिसकी वजह से हमने अपना बच्चा खोया। मेरी बात नहीं सुनी ना, मुझे तुम्हारी भी कोई बात नहीं सुननी। कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे तुम्हारे। हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, हमने एक दूसरे से जन्मों जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था, भूल गया? अगर आपका प्यार एक बच्चे की वजह से, जो सिर्फ आपका नहीं हमारा भी था, उसकी वजह से खत्म हो जाता तो आप कभी हमारे लिए अपने सीने पर गोली नहीं खाते। जितना प्यार हम आपसे करते हैं ना, हमें भरोसा है कि उतना ही प्यार आप भी हमसे करते हैं। प्यार, प्यार का मतलब भी पता है तुम्हें? दोनों की जिंदगी में छोटा सा मेहमान आने वाला था, वो प्यार की निशानी नहीं थी? ये ना, प्यार सिर्फ मियां बीवी का होता है, बच्चे से कोई प्यार नहीं होता। प्यार की बात करती हो, गोली क्यों खाई तुम्हारे लिए? ये बात तुम्हारे लिए गोली खाने की ना गौरी, मेरी आंखों के सामने से मरता तो नहीं देखूंगा ना तुम्हें, और इतनी जल्दी तुम मर भी नहीं सकती। ये तकलीफ मुझे हुई है मेरे बच्चे के जाने की, वो तकलीफ तो तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी गौरी, और वो दर्द तुम्हें फील करना पड़ेगा जो मैंने फील किया मेरे बच्चे के जाने के बाद। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.